सापुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्च जना आदित्रजातमादित्रजानतवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकाम् हरिः ओम् मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टवयम् योगश्चोकरणम् चैव सर्वम् विष्णुर्वयम् जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवम् गुणविशेषेण विशिष्टायाम् शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोहस्तथा वारो नक्षत्रम् विष्णुरेव च योगश्चोकरणम् चैव सर्वम् विष्णुर्वयम् जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवम् गुणविशेषेण विशिष्टायाम् शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोहस्तथा वारो नक्षत्रम् विष्णुरेव च योगश्चोकरणम् चैव सर्वम् विष्णुर्वयम् जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः कर्मणो नवसाक्षिणः। तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको कल्कि धाम से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया जा रहा है और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। और कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक नज़र ये भी हम डाल लेते हैं कि कल्कि धाम मंदिर का स्वरूप जो है कैसा रहने वाला है। कल्कि धाम मंदिर 10वें और आखिरी अवतार कल्कि धाम के रूप में वहां पर समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ ये भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीरें हम कल्कि धाम से बता रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ मौजूद है और कल्कि धाम का भूमि पूजन किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि इस मंदिर में जो है रामलला के मंदिर वाला पत्थर का इस्तेमाल भी वहां पर किया जाएगा। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल्कि मंदिर विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि को समर्पित है। सनातन धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि रूप में प्रकट होंगे। इस लिहाज से ये मंदिर दुनिया भर में एक अनोखा मंदिर माना जाएगा। 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा ये मंदिर और इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। और ये भूमि पूजन के जरिए गर्भगृह में आधारशिला रखने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कल्कि धाम की आधारशिला रखी जा रही है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र के लिए अहम, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक कार्यक्रम में अनेक धार्मिक नेता, संत और गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर 5 वर्षों में तैयार हो जाएगा और कल्कि धाम परिसर जो है वो 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर
जहां उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन में वे शामिल हुए और यहां उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाथ और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम जी खुद मौजूद रहे। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और आज उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आनंद धाम वृंदावन के नितेश्वर जी महाराज के साथ संवाद करते हुए जमुना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिर जी, पूज्यपाद श्री कैलाशानंद गिर जी, सहृदय माननीय प्रधानमंत्री सहृदयता के साथ संवाद कर रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी का अभिवादन कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। संभल में सभी संतों को प्रणाम करते हुए उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन करते हुए, और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, पूज्यपाद श्री अवधेशानंद गिरि जी से, पूज्यपाद श्री कैलाशानंद गिरि जी से और सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करें। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, ये अभूतपूर्व दिन है, अविस्मरणीय दिन है, जब संभल में माननीय प्रधानमंत्री पूज्य संतों के साथ यहां मंच पर हैं और उनका सम्मान हो रहा है। जिस देश में संत स्वयं सम्मान करें वहां के शासक का क्या ही अद्भुत दृश्य है मित्रों। तालियां बहुत कमजोर हैं, संभल इतना कमजोर तो नहीं है, संभल क्या इतना कमजोर है। और स्मृति चिन्ह श्री कल्कि धाम की प्रतिकृति भेंट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री को श्री कल्कि पीठाधीश्वर और अन्य सभी संत, पूज्य संत अवधेशानंद गिरि जी, कैलाशानंद जी, रितेश्वर जी महाराज। ऐसा होगा आपके जनपद में बनने वाला श्री कल्कि धाम। और आप सभी संतों से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान कर रहे हैं।